बस वो मेरा भाई वहाँ से भागा हुआ घर से निकल के आया है, जैसे उसने गेट खोला है और मेरी वालदा के ऊपर उसने पिस्टल देखी है, तो शहीदों की तरह उसने अपनी वालदा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी दे दी और उस डकैत ने उसके सर पे मेरे भाई की गोली रख के मार दी। सामने एक गार्ड बैठा हुआ था जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी कंपनी जिसको हम अपना मुआफ़िज़ रखते हैं, पैसे देते हैं कंपनी गार्डों को, वो विद वेपन बंकर में बैठा हुआ था। वो चाहता बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उसने वहाँ कुछ नहीं किया। ये जितने गार्ड्स कंपनियाँ वगैरह होती हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, किसी आम पब्लिक शहरी के लिए कोई नहीं। जी हलीम भाई, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, नौजवान को बहन भाइयों वालदैन के सामने शहीद कर दिया गया, क्या कहेंगे, क्या कर रही है अपोजिशन सिंध हुकूमत को जगाने के लिए? देखिए, अभी तो मैं समझता हूँ कि हम सबको जागने का वक्त है, माशरे के जागने का वक्त है। कल रात से जब ये वाकया सुना और जब पता चला कि मंगल को इनका वलीमा हुआ था और ये हमारे सपोर्टर भी रहे, अच्छे नौजवान दोस्तों ने, जहाँ हमारे एम पी अली अजीज़ जी साहब यहाँ मौजूद रात को ही आए थे, बड़े हंसमो खुश मिजाज दोस्तों का दोस्त एक नौजवान था जो जीना चाहता था। लेकिन अलमिया जो यहाँ आके मुझे फर्दर देख, तो कल मैंने देखा कि एक शख्स जिस उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसका स्टाइल देखिए, जो डाकू नहीं लग रहा, डाकू डरे, और ये इनके अल्फाज भी हैं, डाकू डरे सहमे होते हैं। और सामने अफसोस की बात यह है कि सिक्योरिटी कंपनी जिम्स ZIMS जिम्स सिक्योरिटी कंपनी जो कोई सड़क छाप सिक्योरिटी कंपनी भी नहीं है, उसका गार्ड बंकर के अंदर मौजूद था, चौकी के अंदर मौजूद था, जबकि उसकी जिम्मेदारी है चूँकि दफ्तर चल रहा है, सामने घर है, पीछे सरकार प्राइवेट दफ्तर बना हुआ है, वहाँ आके वो शख्स लूटामारी करता है। लूटामारी करने के बाद जब ये नौजवान अपनी, ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक बेटे की माँ के लिए इससे बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती, उसने देखा कि मेरी माँ पे पिस्टल ताना हुआ है, उसने जान दे दी अपनी। लेकिन कोई पूछ सकता है कि इनका खौफ कहाँ चला गया? इन जो लुटेरे जो आज़ाद घूम रहे हैं, ये खौफ क्यों नहीं है? पकड़े जाने का खौफ चला कहाँ गया है? पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं है। ये वाकया पहला नहीं है इस महीने, डेढ़ दो महीने के अंदर तो डकैती, कल तो मज़ाहमत भी ऐसी ख़ास नहीं हुई, डकैती मज़ाहमत पर गोली मारी जा रही है। और अब तो मैंने ये देखा है कि लोग जेल जाते हैं वापस आते हैं, जेल जाते हैं वापस आते हैं, जेल जाते हैं वापस आते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे हल्के में एक केस हुआ कि एक शख्स ने जिसने 8-9 महीने पहले डकैती हुई थी उस पर उसने FIR कटवाई थी, जेल से छुटा, वापस आया, सीधा उसके ऊपर आके गोली मार दी, मार दिया उसको। एक हमारे कमांडर साहब इश्तियाक थे, उनको भी गोली मार दी, बेचारे मौत और जीत की कशमकश में है। थोड़ी सी हल्की सी भी उसके ऊपर लगता है कि डकैतों ने तय कर लिया है कि जो मज़ाहमत करे उसको मार दो, चूँकि पुलिस ने कोई मज़ाहमत नहीं करनी। और अल्टीमेटली बात यह, हम सिर्फ बात करते हैं SSP ऑपरेशन और SHO की, लेकिन अलमिया ये है कि जितने नाकारा बेकार हड हराम किस्म के SSPs होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया जाता है, और जितने हराम खोर इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें SIO लगा दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं और उसके बाद प्रोसिक्यूशन, सब आज़ाद हुए जा रहे हैं, बेल्स हुई जा रही हैं। जाजमेद आज ये शाहरुख सलीम इनका भाई गया है, और ये नई नहीं, हर मुस्तकिल हर रोज़ शाम को कोई और जाएगा, कल कोई और जाएगा, तो ठीक कैसे करना है प्रोसिक्यूशन? मुर्तज़ा वहाब साहब माशाल्लाह बड़ा, शायद यहाँ भी आ जाए थोड़ी देर बाद, प्रोसिक्यूशन 6 साल से उनके पास है, प्रोसिक्यूशन पे पैसे लेके सरकारी वकील बिक जाता है, सरकारी वकील केस नहीं लड़ता है, इन्वेस्टिगेशन वाला केस कमज़ोर कर देता है, विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से सब ये जेल से आज़ाद होकर आ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये शक्ल से जैसे हम देख रहे हैं, ये तो मुझे भी शक्ल से जो इसका तरीक़ाकार है, ट्रेनिंग है, ये तो मुझे कोई पुलिस वाला लग रहा है। मुझे लगता है SSU जिसको ट्रेनिंग की गई है, कमांडोज है, उन्हें सिर्फ VIPs की, जब कोई बड़ा आदमी भी इनकी सरकारी जमात का, ये हमें जरदारी साहब की सिक्योरिटी में नज़र आ रहे हैं, SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, ट्रेंड कमांडोज हैं, हमारे पैसों कमांडोज बने हैं, बड़े बड़े लोगों की SSU SIU ACLC AVLC ये स्पेशल फोर्सेस जितनी हैं, ये हमारी इनकी जानों की तहफ़ के लिए हैं। ये SSU VIP सिक्योरिटी पर लगी हुई है,
थाने में जो पुलिस होती है वो बेचारे ठेलों से इनसे भत्ते वत्ते पे लगे हुए होते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाला बंदों को छोड़ने पे लगा होता है, प्रोसिक्यूशन वाला डील करने पे लगा होता है। ये जितने टारगेट किलर्स हैं, डाकू हैं, 90% वो लोग हैं जो जेलों से आज़ाद हो रहे हैं, बार बार आज़ाद हो रहे हैं। प्रोसिक्यूशन में कोई मुझे जवाब दे सकता है? और वज़ीर दाखिला वज़ीर आला साहब हैं, उन्हें बताना चाहिए कि ये हुआ कि आज डकैत आज़ाद फिर रहे हैं, डाकुओं को पकड़े जाने का खौफ नहीं है। और ये तो इतना अफसोसनाक वाक्य है, जिम सिक्योरिटी, मैं कहना चाहता हूँ सिक्योरिटी कंपनी पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये सिर्फ पैसे लेके मतलब एक गैर इंसानी हरकत के घर के सामने वो बच्चा वो नौजवान बताते हैं कि अफतारियाँ सहरियाँ खाने इनको देता था लाके, वो शर्म करनी चाहिए थी, वो गैरत करनी चाहिए थी। ये तो अंदर था, अगर ये गोली मारता ये आवाज़ भी निकालता तो शायद चला जाता। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारा माशरा, हम बहसियत कौम बहसियत माशरे के हम बेहिस हो चुके हैं। हम कहते इसका भाई मर रहा है मुझे क्या जाए, कल इसका भाई मरेगा तो कल मेरा भाई मरेगा, मेरा भाई मरेगा तो किसी और का ही भाई मरेगा, किसी और का बच्चा मरेगा, किसी और का बुज़ुर्ग मरेगा। हमें सोचना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त कराची शहर में लॉ एंड ऑर्डर तबाह बर्बाद हो चुकी है, सिंध पुलिस स्पेशली पोलिटिसाइज हो चुकी है। पहले SHOs बिकते थे, अब SSP भी बिकने लगे हैं। पैसे दे के जो बेचारा SSP लगेगा वो क्या करेगा, वो कैसे बचाएगा किसी को? कराची डाकुओं के रहमो करम पर है, कराची के थाने तबाह बर्बाद हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए नहीं पूछने वाला, डाकू मरते रहे अगर ये सब लगे हुए हैं, कब्ज़ों में लगे हुए हैं, इस पे लगे हुए हैं, उस पे लगे हुए हैं, पैसा मिलता रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनको फौरी तौर पर इसको, जितने पिछले दिनों इस 15 दिन में 20 वाक़ात हो चुके हैं, कल बेचारे एक से कल के दिन के अंदर 3-4 वाक़ात हुए हैं, तीन वाक़ात कल में, हर रोज़ 3-3, 4-4 वाक़ात होते हैं। जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, सोराबगोट में बुजुर्ग शहरी को, वो मुझे पता है सोराबगोट हमारा बुजुर्ग शहरी को। मैं मुराद अली शाह साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं, पुलिस आपकी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग फारूक बशीर करता है, कराची पुलिस में आपने ऐसे एक बेचारा एक फालतू सा एडिशनल IG कराची बिठा दिया है, ना लीपने का ना पोतने का, किसी को सज़ा नहीं दे रहा, किसी को फ़ायदा नहीं दे रहा। SHOs आप लगा रहे हैं जो यहाँ फिरोज़ाबाद में ये दुकानों पे मार्केटों में इधर उधर ठेलों से भत्ते लेने पर लगे हुए होंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये हमारा भाई था, एक शहर का बेटा था, और कल से मुझे अंदाज़ा है उस माँ की हालत क्या होगी, उस बहन की हालत क्या होगी। इनकी वालदा सारी ज़िंदगी सोचती रही काश मैं बैल ना बजाती, वो बहन सोच रही होगी काश मैं कुछ ना करती। बात यह अमेरिका से आई शादी के लिए, इसी बहन की भी शादी हुई है, इसी बहन इस शादी की शमूलियत के लिए। अब वो अमेरिका से जो बहन शादी के लिए आई, अमेरिकन नेशनल है, वो क्या कहेंगे, उसके बच्चे क्या कहेंगे कि हम किस लिए किस मुल्क में रहते हैं? और इस करप्ट पुलिस के हवाले, इस चोर पुलिस से, पुलिस ने बचाना है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। यहाँ आए दिन ऐसे वाक़ा कहते हैं, एक और वाक़ा भी कल हुआ इसी किस्म के, बस दीदा दलेरी देखिए, एक बंदा मोटरसाइकिल पर गार्ड के सामने, उसको पता है इस कमरे में चौकी है, गार्ड बैठा है, अकेला मोटरसाइकिल पे आता है, मतलब कोई खौफ नहीं है कि हमें कोई पकड़ेगा। और अगर पकड़ेगा तो भाई पहले तो इन्वेस्टिगेशन वाला छोड़ देगा, उसके बाद अगर कोर्ट चले गए तो प्रोसिक्यूशन वाला छोड़ देगा, फिर वापस आके 4 गुना ज़्यादा क्राइम करेंगे। मैं कहता हूँ भरपूर रेंजर्स को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना चाहिए, रेंजर्स को दोबारा एक कराची में सख्त किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत है। चूँकि इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है वो सिंध सरकार की सरपरस्ती में हो रही है, सिंध सरकार दहशतगर्द टारगेट किलर्स चोरों डाकुओं की सरपरस्त बनी हुई है, और पैसों के ऊपर SHO और SSP लगाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि क्या सबको मरने दें, किसी पे तनकीद ना करें, किसी को जगाएं नहीं, आएँ कुलवल्ला पढ़ें और चले जाएं, और फिर कल 4 और वाक्य हो जाए आप लोग आइए उसकी रिपोर्टिंग करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता है, सियासत नहीं होती है। मैं अगर एक मिनट बात कर लीजिए, जवाब करने दीजिए, आपके जवाब दूंगा मैं। सवाल करना आपका काम है, जवाब देना मेरा काम है। हम आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पुलिस के साथ भी ज़्यादती होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँचते हैं। पिछले दिनों शाह लतीफ़ टाउन में सिपाही बेचारा कत्ल हुआ था नुमान, मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा था। शिकारपुर में जब SHO और 3 लोग मारे गए थे जख्मी, शिकारपुर में सबसे पहले उन पुलिस वालों के अस्पताल में मैं पहुँचा था। उबाड़ो में, दूर के बता रहा हूँ, उबाड़ो के अंदर एक स्पेशल ब्रांच के SI को कत्ल किया गया था 1 महीने पहले, वहाँ भी मैं पहुँचा था। अल्हम्दुलिल्लाह
मज़लूम पुलिस वाला हो, आम शहरी हो, जो भी हो, मज़लूम मज़लूम होता है, हम मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब ये काम सिंध पुलिस का है, आवाम की जानो माल का तहफ़, SHOs उनके, SIOs उनके, SSP उनके, अल्टीमेटली वज़ीर दाखला मुराद अली शाह, मैं नहीं हूँ इस वक्त वज़ीर दाखला, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, और मैं, मेरा नाम ही क्या अपोजिशन, मैं कोई ये नहीं एक तरफ गवर्नमेंट डायरेक्टर ना गैर गवर्नमेंट नहीं, अपोजिशन का मतलब है आपकी बातों को हाईलाइट करना, बताना, चीज़ों को उठाना, ताकि इसके ऊपर हुकूमत होश के नाखून ले, ऐसे डायरेक्शन ठीक करे। लेकिन आपकी यानी कि ऑपोजिशन इतनी वीक है, यानी कि सिर्फ बातें ही होती है, अमल होते हुए कुछ नहीं दिखाई देता, आप यानी उनको इतना मजबूर करें कि वो अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करें, पुलिस डिपार्टमेंट को बेहतर करें, लोग रोज़ अपनी जानें जो है वो गंवा रहे हैं। देखिए, हम कानून साजी कर रहे हैं, हम इनको बेनकाब कर रहे हैं, बाकी अगर आप वीक समझते हैं तो आप चलिए मेरे साथ थाने पर हमला कर देते हैं, जाके SHO को जाके जला देते हैं, थाना जला दे, अगर आप चाहते हैं कि ये अपोजिशन है तो ये भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शायद इन्हें थोड़ी बहुत गैरत आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना आईनी कानूनी सारे हक हम अदा कर रहे हैं, हम वहाँ भी पहुँचते हैं, हम इनके घर भी आते हैं, हम ग्राउंड पर भी जाते हैं, और इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे और कोशिश भी करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह वक्त देगा इस माफिया से निजात हासिल। शुक्रिया।